निकाय चुनाव में नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और दोनों ही पार्टियों की प्रत्याशियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। नारी शक्ति किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और किस तरह से इस चुनाव में इंटरेस्टिंग बात देखने को मिल रही है। अभी हम वार्ड नंबर 68 में हैं। हमारे साथ में यहाँ रेखा डांगी जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात करते हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या आपके मुद्दे और क्या आपके वादे जनता से हैं, किस तरह से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी से आई हूँ, वार्ड 68 है, नाम रेखा डांगी है और मैं कांग्रेस पार्टी से जन मेरे गांव के वासियों के सपोर्ट से और पार्टी की एक योग्य कार्यकर्ता के रूप में थी, तो उन्होंने मुझे इस बार पार्टी के लिए प्रत्याशी बनाया है और मैं इन वार्ड में सर्वे करने के लिए गई थी तो पूर्व पार्षद जो मंदाग्नि जी हैं पहले बहुत वादे करके गई थी उनका भी मेरे को सुनना पड़ा है और वो बोल रहे हैं कि जीतने के बाद कभी मुड़ के भी नहीं देखा और एक भी बार नहीं देखा, उनसे पूछा तक नहीं कि आपकी क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। और सबसे ज़्यादा यहाँ इस वार्ड में सबसे मेन तो शमशान की है, जो कि वहाँ पर नहाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। जो भी गांव वासियों ने अपना चंदा इकट्ठा करके नहाने की व्यवस्था की है, सनाना का रजिस्टर कुमार जी जब सभापति बने थे जी तब बनाए थे, तब से ताले लग रहे हैं, सुचारू से कोई नहीं चल रहा है। आप क्या प्राथमिकता रखेंगी महिलाओं के लिए, खासकर क्या रहेगा अगर आप चुन के आती हैं तो? अगर मैं चुन के आती हूँ तो मैं इनकी जो आशाएं मेरे से जुड़ी हुई है मैं उन पर खरी उतरूंगी। सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए तो एक स्नानागर जो बनाए हैं वो उनकी मरम्मत कराऊंगी और उनके लिए खुलवाऊंगी, जो कि अभी नगर निगम के पास यूआईटी के पास है उनके ताले लग रहे हैं और हमें उपलब्ध नहीं कराए गए। गांव वासियों के महिलाएं इधर उधर भटक रही है, कहाँ ना आए, आज अचानक एक मौत हो जाती है तो अब भी तो ये ज़्यादा रोड के काम से सड़कें भी निकल गई है। पहले तो चलो कुएं बावड़े पे ना भी लेती थी, अब वो नहीं ना सकती है। जब वो नहाती है तो हमें भी शर्म आती है और हमारे ग्रामवासी बहुत शर्मिंदगी से अपने आप को नहीं कह सकते कि हम हमारी महिलाएं कहाँ ना है। अच्छा, शहर में देखिए 5-6 बोर्ड बन चुके हैं, लंबे टाइम से चुनाव होते आ रहे हैं और 2 महिला सभापति भी रह चुकी हैं। अभी आप चुन के आती हैं तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से आपकी क्या सोच रहेगी? अभी मैं अगर चुन के आती हूँ तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से सबसे पहले मैं अपनी सारी प्राथमिकताएं कच्ची बस्ती को दूंगी, क्योंकि कच्ची बस्ती में कोई काम नहीं कराया गया। जहाँ भी जाओ नाली नहीं है, नाली है तो कचरे से भरी है और जहाँ सड़क है तो टूटी हुई है। वो लोग बहुत परेशान है, पार्षद को शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहले मेरी सारी योजनाएं कच्ची बस्ती से ही शुरू होगी और उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहाँ पे एक स्नानागर बना हुआ है और महिलाओं के नहाने के लिए उपलब्ध नहीं है, ताले लगे हुए हैं, तो वो कच्ची बस्ती के जो आम व्यक्ति है गरीब व्यक्ति उनके लिए बिल्कुल सुविधा ही नहीं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। और वहाँ पे एक कचरे की समस्या ज़्यादा है कि एक मंदिर के पास जो धार्मिक आस्था के स्थल है उसके पास ही बहुत बड़ा कचरे का कंडक्टर है, वो नहीं हटाया जा रहा। अच्छा रेखा जी, हम आपको एक सवाल पूछ लेते हैं। अधिकांश लोग अभी मोबाइल पे अपना समय बिताते हैं, खासकर महिलाओं के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन भी है। चुनाव आप लड़ रही हैं और बिल्कुल आधुनिक तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, आप मोबाइल सोर्स को किस तरह से देखती हैं, ये कैसे आपके लिए साबित हो रहा है? ये मोबाइल से काम का तो बहुत है। मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने जो वार्ड के सदस्यों से जोड़ूंगी, जो संपर्क कर सके मेरे को, मैसेज कर सके कि अगर उनको कोई परेशानी है तो मैसेज करें, मैं तुरंत वहां जाऊंगी, उनकी परेशानियों को देखूंगी और उनके लिए जो भी हो सकेगा वो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी और उनका निपटारा करूंगी, क्योंकि उस मैसेज से मुझे हर गली मोहल्ले की न्यूज़ मिलती रहेगी। दोस्तों, जहाँ जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हमने इतने प्रत्याशियों के इंटरव्यू किए हैं, ये एक बात सामने आई है कि बिजली, पानी, सड़क ये बीजेपी के टाइम में समस्या बनी हुई थी और स्मार्ट सिटी की सोच के हिसाब से शहर में जो काम होने चाहिए थे वो हो नहीं पा रहे हैं। रेखा जी, आप स्मार्ट सिटी के हिसाब से बात कर रही हैं लेकिन महिलाओं के लिए अपने इलाके में ऐसा क्या आप कर पाएंगी जिससे कि वो आपको याद रखे? आपके बोर्ड में यानी कि आपके कार्यकाल में आप चुन के आती थी, ऐसा क्या उपलब्धि आप रखेंगे महिलाओं के लिए? मैं महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करूँगी, उनको नई नई चीज़ें के बारे में जो सरकार योजना लाती है उनके तक नहीं पहुँच रही है, रास्ते तक आती है और उनकी तरफ पार्षद ध्यान नहीं दिया,
कि उनको कौन सी योजनाएं है, और सबसे ज्यादा मैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराऊंगी जिससे कि वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होके अपना यूँ कर सके। और स्मार्ट सिटी से तो अगर वो खुद आत्मनिर्भर है तो अपने वार्ड और परिवार के बारे में सुचारू रूप से मेरे को जानकारी भी देगी और उनकी समस्या भी बताएगी। अच्छा, जागरूकता की दृष्टि से हम बात करें तो आपकी कॉलोनी में किस तरह की जागरूकता वाली बात आप करेंगे, ताकि जैसे बहुत सारे लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मैसेज देते हैं, बहुत सारे लोग पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, लेकिन आप अगर चुन के आती हैं तो किस तरह मैसेज लोगों तक आप ले जाएंगे? मैसेज जैसे कि मेरे को सर्वसम्मति से खड़ा किया गया है, मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरे खुद के भी दो बेटियाँ हैं, तो बेटे की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो उनको भी शिक्षा मिलेगी, वो भी बेटी उसके भी दो बेटे हैं, तो बेटा बेटी का फर्क तो वैसे ही कम हो जाएगा। और लड़कियों के ज़्यादा सुविधा के लिए सरकार योजनाएं ला रही है, वो योजना उनको बताऊंगी। लड़कियां से होने से उनके कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, सरकार सारी सुविधा दे रही है। और आप लड़कियों से ज़्यादा पढ़ाओ, लड़कियों के आगे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा, और लड़कियां लड़कों से तेज भी है, ऐसी बात नहीं है कि लड़के ही सबको सब जगह प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता कहीं नहीं मिलेगी। निकाय चुनाव में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, कच्ची बस्ती के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, कच्ची बस्ती इलाके में जो विकास के काम होने चाहिए वो अभी तक ढकोसले साबित हुए हैं, और जो खरे उतरने चाहिए कार्यों को लेकर के वो भी नहीं हो पाया है। तो रेखा जी, आप इस सवाल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार के अपने प्रयास होते हैं, अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया जाता है और काम पूरा होता है, लेकिन अभी तक इस तरह की बात हो नहीं पाती है, तो क्या कहना है आपका? वो तो सरकारी तरफ से जो योजनाएं चल रही है वो पूरी हो नहीं पा रही है, क्योंकि वो लोगों को जागरूकता भी नहीं है कि उनको आपास आ रही है। उनके लिए भी अपन जब पार्षद अपडेट रहेगा कि क्या योजनाएं आ रही है, उनको क्या योजना बतानी है, जो भी नहीं बता पाएंगे पार्षद तो क्या काम का। तो मेरे को तो हर महीने में एक दो बार तो मेरे को उनके संपर्क में रहना पड़ेगा कि ये योजनाएं आई है, आप इन योजनाओं का फायदा उठाओ, आपके अगर समस्या आती है तो मुझे बताओ, मैं उन समस्या को हल करूंगी, और इन योजनाओं का है जिनको जरूरत है उनकी पूरा पूरा फायदा उठा। तो आपने देखा कि पूरे के पूरे फायदा मिलना चाहिए, और योजना जो है वो पूरी सरकार की है, और इसके तहत जो आने वाले क्राइटेरिया है उसमें लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। तो ये थी रेखा जी, जो कि अपने काम का ब्यौरा बता रही हैं कि अगर हम चुन के आते हैं तो इस तरह से काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी ने प्रत्याशियों को मौका दिया है, जो कि महिला प्रत्याशी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब निकाय चुनाव में देखना ये होगा किस तरह से महिला प्रत्याशी चुन करके आते हैं और किस तरह से निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो नया आता है आप तक पहुंच जाए।